हेलो स्टूडेंट्स आई एम द टीचर ऑफ दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग ए राइट द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स एट बी राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस फाइव सी राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री इस क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट ए में बताइए कि एक नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बताइए जिनका डिफरेंस एट है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनका सम माइनस फाइव है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनका डिफरेंस माइनस थ्री है सो लेट्स सॉल्व इट ए को देखते हैं ए में क्या हमें नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बताना है जिनका डिफरेंस क्या है डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए एट आना चाहिए तो अगर एट डिफरेंस आना चाहिए तो एक हम ले लेते हैं माइनस का थर्टीन और एक ले लेते हैं माइनस का फाइव तो इनका डिफरेंस करते हैं तो माइनस थर्टीन प्लस फाइव कितना हो गया माइनस का एट तो पेयर क्या हो गया रिक्वायर्ड पेयर रिक्वायर्ड पेयर ये हो गया हमारे पास में माइनस का थर्टीन और माइनस का फाइव ये हो गया बी में देखते हैं बी में क्या आए नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनका सम क्या हो माइनस का फाइव अब माइनस फाइव कैसे आएगा जब एक कॉम ले लेते हैं माइनस एट और उनका सम करेंगे तो माइनस एट प्लस थ्री यानी कि माइनस का फाइव सो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर हो गया माइनस का एट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारे पास में थ्री सी में क्या पूछ रहा है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या हो माइनस थ्री तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस क्या हो डिफरेंस क्या होना चाहिए माइनस का थ्री है शायद हाँ माइनस थ्री है डिफरेंस सो तो डिफरेंस माइनस थ्री है मतलब एक हमने ले लिया माइनस टू डिफरेंस कर रहे हैं हम किसके साथ में वन के साथ में वन हमने पॉजिटिव ले लिया है माइनस टू माइनस वन कितना हो गया माइनस थ्री सो नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया माइनस का टू पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया वन So, this is the answer. Hence, this is the answer. So, I hope you understood the solution well. Thank you.